हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप भागोरिया। कैसे हो दोस्तों आप सभी। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से मैं एक ऐप के बारे में आपको बताना चाहता था, उसी पे थोड़ी रिसर्च कर रही थी। नाम इसका है दोस्तों बॉबल इंडी कीबोर्ड। हाँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है दोस्तों। वैसे तो दोस्तों जो हमारा गूगल का जी बोर्ड ऐप होता है वो काफ़ी होता है हमारी रिक्वायरमेंट्स को कम्प्लीट करने के लिए, बट अगर आप कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस चाहते हैं और कोई और ऐप यूज़ करना चाहते हैं गूगल जी बोर्ड के अलावा, तो मुझे ये ऐप सबसे बढ़िया लगा। वैसे मैंने काफ़ी और भी ऐप्स देखे जिनकी अपनी अपनी अलग खासियत थी, जैसे कि क्रूमा ऐप देखा, फ्लैश की ऐप देखा, इसके अलावा दोस्त को एक्सप्लोरी देखा, वन टचपाल देखा, बट यार मेरे को जो सबसे बेस्ट लगा वो यही लगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस ऐप के बारे में, देखते हैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे क्या है इस ऐप में और कैसी क्या क्या इसकी खासियतें हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं सीधा प्ले स्टोर में और करते हैं इसे एक्सप्लोर, देखते हैं कैसे इंस्टॉल होगा, कहां से मिलेगा। तो हम चलते हैं सीधा प्ले स्टोर में और यहां से हम सर्च मारते हैं बॉबल इंडिक ऐप। ये हमें मिल गया है, फर्स्ट मैंने इंस्टॉल ही कर रखा है। ठीक है, वैसे ही मैं दिखा रहा हूँ आपको कि इसकी रेटिंग्स वगैरह देख लीजिए, 4.6 की अच्छी रेटिंग है, 10 मिलियन प्लस इसके डाउनलोड्स हैं। ये यहाँ पे रिव्यूज़ वगैरह भी आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। चलिए, मैंने पहले ही इंस्टॉल कर लिया है, तो दो तरीके हैं इसको दोस्तों, या तो आप डायरेक्ट इसको एक्टिवेट कर सकते हो इस कीबोर्ड को, या फिर आप इस ऐप के अंदर जाके इसको देख सकते हो। तो दोनों करके देखते हैं, पहले चलिए इसे एक्टिवेट करने का तरीका देख लेते हैं कैसे एक्टिवेट होगा। हमें चलना होगा सेटिंग्स में। जैसे ही इसे इंस्टॉल किया हमने दोस्तों, हमें अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है और वहाँ पर जाकर हमें दोस्तों एडिशनल सेटिंग में जाकर लैंग्वेज और इनपुट में जाना है। उसके बाद ये जो करंट कीबोर्ड है, यहाँ पर दो ऑप्शन होंगे, एक तो बेसिक जो हमारा जी बोर्ड का गूगल का कीबोर्ड होता है उसका होता है, और जो अगर हम कोई एक्स्ट्रा कीबोर्ड ऐड करते हैं तो वो। तो हमने यहाँ पे ये किया है, तो मैंने पहले से सिलेक्ट कर रखा, तो आप भी अंदर जाके सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब जैसे बाहर हम सीधा इस ऐप के अंदर चलते हैं, पहले वहाँ से देखते हैं और फिर इसको यूज़ करके भी देखेंगे। तो ये ऐप है मेरा और इसके अंदर गए, जो सेटिंग्स वगैरह कुछ करनी हो तो कुछ कर सकते हैं। ये बेसिक इसका इंटरफेस है ऐप का। पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कि ये मैंने पूरी सेटिंग्स करके, कीबोर्ड सेटिंग्स वगैरह जो भी देखना चाहो कर सकते हो। सेकंड है कीबोर्ड सेटिंग, इसमें चलते हैं हम और यहाँ पे देखिए लैंग्वेज है, कोई और लैंग्वेज भी अगर आपको चेक करनी हो कर सकते हो, या कोई और ऐड करना हो तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं आप ऐड कर सकते हो, अरबी, उड़िया, नेपाली वगैरह, संस्कृत, सब कुछ है इसमें वो ऐड कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों थीम्स हैं, बहुत ही मज़ेदार थीम्स हैं इसमें, आप कोई भी थीम्स चुनिए। जैसे कि मैं ये अपने ट्राई कलर की थीम चुन लेता, ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं, इसी को यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ तक हो गया, उसके बाद बहुत सारी हैं आप देख लीजिए, ऑटो करेक्ट है, फॉन्ट के साइज़ वगैरह हैं, हाइट हैं, ये देखिए की बॉर्डर है, टॉप कीज़ वगैरह, इमोजी वगैरह, ये सब चीज़ें हैं इसमें। ऊपर बर्थडे, अपना जेंडर वगैरह, प्रोफाइल बनाना चाहो तो बना सकते हो। बाहर आ जाते हैं हम इस बेसिक जो इसका इंटरफेस है उस पर आ जाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हेड्स है, ठीक है, जो भी आपको हेड्स यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं वो कर सकते हो आप। हेड्स वो हैं जैसे किसी को GIF बना के भेजना है तो अपने फेस का बना के भेज सकते हो, या स्टिकर बना के भेजना है तो अपने फेस का बना के भेज सकते हो। तो मैंने अभी अपना लगा रखा है, ये देखिए, और ये देखिए स्टिकर्स, मैंने अपना हेड लगाया तो जितने भी स्टिकर्स इसमें पड़े होंगे वो मेरे उसके ही दिखाएंगे। ठीक है, तो आप भी यहाँ से कर सकते हो चेंज, और चेंज करने का कोई ज़्यादा खास वो नहीं है। ये देखिए नीचे की तरफ कॉर्नर में ये एक फेस बना हुआ है, इस पर क्लिक करोगे आप और यहाँ पे अपना फ़ोटो यहाँ पे कैमरे के उससे सिलेक्ट करके आप बना सकते हो, या फिर कोई पहले से पड़ा हो तो वो सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ये स्टिकर्स का था, चाहो तो GIF में देख सकते हो दोस्तों, GIF में भी बना सकते हो आप। ठीक है, ये देखिए बड़े कूल कूल फीचर्स हैं, स्टोरीज़ हैं, बनाना चाहो तो बना सकते हो, लैंग्वेजेस हैं, यहाँ से वही था थीम्स, फिर वही आ जाते हैं जो सेटिंग्स में था। तो इस तरीके का इंटरफेस है। अब चलिए दोस्तों, हमने इस ऐप के अंदर तो आपको सब कुछ दिखा दिया, अब इस ऐप के बाद हम इसे यूज़ करके देखते हैं दोस्तों। मैं जैसे कि मैं व्हाट्सअप में हम किसी को भी भेज सकते हैं यहाँ पे,
ये देखिए मैं जैसे यहाँ पे किसी को भी कुछ भी भेजता हूँ, टाइप कर सकता हूँ, ठीक है। ये इस तरीके का इंटरफेस है इस कीबोर्ड का, ठीक है। तो टॉप साइड पे माइक है, इसके अलावा फ़ोटो उसी टाइम कर खींच सकते हैं हम, ये देखिए फ़ोटो, ठीक है, GIF बनाने के लिए या ठीक है दोस्तों। और भी देखते हैं इसमें और क्या क्या हो सकता है। और ये देखिए यहाँ पे ये कुछ स्वाइप, मतलब इसके इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं, वो आप कर सकते हो, देख सकते हो। और भी देखना हो तो ये देखिए ये थ्री डॉट्स हैं, इस पर आप क्लिक करोगे तो हम डायरेक्ट उसी ऐप के अंदर घुस जाएंगे। बैक आते हैं। इसके अलावा ये ए है फॉन्ट, मतलब जो ये फॉन्ट का था, बहुत सारे मज़ेदार फॉन्ट्स हैं यहाँ पे। किसी को भी अगर आपको किसी डिफरेंट फॉन्ट में कुछ भी लिखना हो तो लिख सकते हो आप, बड़े कूल से। यहाँ पे देखिए माई शॉर्टकट है, कोई भी शॉर्टकट वगैरह जो भी आप बनाना चाहो वो बना सकते हो। कोटेशंस वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, बहुत मज़ेदार मज़ेदार कोटेशंस हैं। शायरी है यहाँ पे देखिए हिंदी में, अगर आप शायरी लिखना चाहो तो देख सकते हो, भेज सकते हो। जोक्स हैं। तो ये एक तरीके से ऑलराउंडर ऐप है, आप इसे ऑलराउंडर ऐप समझ सकते हो, ठीक है। ये देखिए इसके अलावा दोस्तों ये इमोजीज वगैरह हैं यहाँ पे, अपनी फेस के इमोजीज वगैरह आप क्रिएट कर सकते हो, वैसे भी होते हैं। ये देखिए ये GIF है, इमोजी है, जो मैंने उसमें दिखाया था वो यहाँ पे भी है, बड़े कूल कूल हैं। इसके अलावा ये GIF वही चीज़ें हैं देखिए। और एक सबसे अच्छी चीज़ ये है दोस्तों कि ये बड़ा फास्ट है, काफ़ी फास्ट। तो दोस्तों मुझे ये काफ़ी बढ़िया लगा, इसकी रेटिंग्स काफ़ी अच्छी है। मैं इसको पिछले दो दिन से यूज़ कर रहा हूँ, सो मैं काफ़ी सेटिस्फाई हूँ। मैंने दोबारा जो गूगल का जो जीबोर्ड है कीबोर्ड, उसको यूज़ नहीं किया इसके बाद, क्योंकि अब मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ। मुझे किसी को भी कुछ भी भेजना होता है, मैं GIF फाइल भेज देता हूँ या फिर स्टिकर्स भेजने होते हैं, तो बड़े कूल से लगते हैं, तो बड़े मज़ेदार हैं, फ़नी हैं, तो मेरे को काफ़ी सही लगा यार ये। सो अब मैं इसी को यूज़ करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों। सॉरी दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, बट दोस्तों अगर आप भी चाहते हो टाइप करने में कोई डिफरेंट एक्सपीरियंस तो आप इसे यूज़ करते हैं यार, बेहतरीन ऐप है, आप भी इसे यूज़ कीजिए। अपने फेस के फनी फनी GIF बना सकते हो, स्टिकर्स बना सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स थीम्स वगैरह यूज़ कर सकते हो यार, एक्सीलेंट ऐप है। तो अगर आप चाहते हो कि इस ऐप को यूज़ करना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो जाके वहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी आप कर लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन ऐप है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक डिफरेंट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।